दोनों के लिए यहाँ पे मैंने एक कप सूजी ली है। हम एक कप सूजी लेंगे और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे धीमी आंच पे। हमें ना सूजी को एक दो मिनट तक ही रोस्ट कर लेना है अच्छे से। तो देखिए हमारी सूजी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है दो मिनट तक। अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो अभी सूजी निकालने के बाद हमें उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच यहाँ पे घी लिए, घी डालेंगे। तो घी अच्छे से मेल्ट होने के बाद हम इसमें रवा ऐड कर लेंगे। इसे भी हमें 2-3 मिनट तक ऐसे ही हिला के रहना है। सूजी को अच्छे से घी में मिलाने के बाद हमें इसमें 1 बाटी पानी डालना है। बाटी पानी डालने के बाद हम इसमें 1 बाटी दूध डालेंगे। याद रखना मैंने 1 बाटी रवा लिया था और यहाँ पे मैं 1 बाटी पानी और 1 बाटी दूध। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे शक्कर लिए, शक्कर को मैंने ग्राइंड किया हुआ है। 1 बाटी शक्कर लिए यहाँ पे मैंने, वो डालेंगे इसके अंदर। आप चाहो तो जो शक्कर होती है नॉर्मल वो भी डाल सकते हो या फिर चाशनी बना के भी डाल सकते हो। फिर अभी हम डालेंगे यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल का प्यूरी बनाई हुई, ग्राइंड किया हुआ पाइनएप्पल, वो डालेंगे इसके अंदर। आप चाहो तो उसको काट कर भी डाल सकते हो छोटा छोटा थोड़ा करके। अगर आप ग्राइंड करके डालते हो तो उसका जो स्वाद होता है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल को चॉप किया हुआ है थोड़ा, तो वो डालेंगे इसके अंदर। यहाँ पर ड्राई फ्रूट में मैंने काजू बादाम लिया है, वो ऐड कर लेंगे इसके अंदर। तो अभी हम बना रहे पाइनएप्पल हलवा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कलर लिया है येलो कलर, वो डालेंगे फ्लेवर के लिए अच्छे से और कलरिंग के लिए। तो अभी हमें इसको हलवे को 5 मिनट तक ढककर पका लेना है। तो 5 मिनट भी हो चुके हैं और हमारा जो पाइनएप्पल का हलवा था वो भी टोटली रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी पाइनएप्पल सूजी हलवा। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और ये रेसिपी जो है घर पे ज़रूर ट्राई करना। तब तक के लिए खाओ पियो और मस्त रहो। थैंक यू।